सलमान और कटरीना की होगी शादी। वेल, ऐसा ना तो सलमान ने डिक्लेयर किया है ना कटरीना कैफ ने, मगर ऐसा होगा ये जान लिया है शाहरुख की हीरोइन अनुष्का शर्मा ने। बैंड बाजा बारात में वेडिंग प्लानर बनी अनुष्का से जब पूछा गया कि वो बॉलीवुड में से किस सेलिब्रिटी कपल की शादी करवाना चाहेंगी, तो उन्होंने झट से सलमान खान का नाम लिया। I'll do सलमान कटरीना। इतना ही नहीं, अनुष्का ने तो ये भी प्लान कर लिया कि सलमान कटरीना की शादी को किस तरह प्लान करेंगी। The business also, you'll get two clients, money also, yeah. Obvious. Coming from them, I'm sure we'll get lots. We must say, that's a bold statement coming from Anushka. लेकिन जल्द ही अनुष्का को रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, तो उन्होंने लिया एक सेफ स्टेप। We'll have to meet them and discuss it with them. You got your book ready. I mean, yeah, but then I had to like... You planned a royal marriage for me, so why not for them? Just offhand. What, but... Make them also do a royal wedding only. And they can spend a lot of elephants. बहुत कुछ आता है। I won't have to pay for the elephants, no. Maybe they can give me a couple of elephants. Well, सलमान कटरीना की शादी का खाब पूरा हो ना हो, मगर इतना तो तय है कि शाहरुख के साथ डेब्यू करने वाली इस हीरोइन ने बता दिया कि वो है कितनी बिंदास। खबरें थी कि करण अपने शो कॉफी विद करण के न्यू सीजन में आमिर को बुलाना चाहते हैं, पर जूम ने आमिर से बात की तो आमिर ने बताया कि उन्हें अब तक इन्विटेशन नहीं मिला है। करण जौहर आमिर को बनाना चाहते हैं अपने शो का मेहमान, और आमिर भी करण का मेहमान बनने के लिए है बेताब। आमिर की बेताबी का ये अपडेट हमें खुद आमिर ने ही दिया है। हाल ही में एक खबरें आई थी कि ऐश्वर्या अभिषेक से अपने शो को स्टार्ट कर रहे करण आमिर को अपना गेस्ट बनाना चाहते हैं, तो जूम ने आमिर से जानने की कोशिश की करण के इस डिजायर के बारे में। करण अच्छे दोस्त है, आई नीड टू बी इनवाइटेड ऑन दैट फर्स्ट। आमिर तो कह रहे हैं कि अब तक उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है। वैसे हमने आमिर से सिर्फ इस शो पर आने के बारे में नहीं पूछा था, सवाल में ये भी शामिल था कि वो करण के शो में कॉफी पीने के लिए अपने साथ किसे लेकर जाएंगे। आई नीड टू बी इनवाइटेड ऑन दैट फर्स्ट एंड इफ दैट हैपेंस देन वी विल सी। तुषार कपूर और एकता कपूर के बीच छिड़ गई है एक जंग। तभी तो तुषार ने एकता से अलग होकर बना लिया है प्लान अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलने का। इस तुषार कपूर और एकता कपूर हेडिंग फॉर अ शोडाउन। वेल, रीसेंट बाजेस के तुषार कपूर ने एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन से अलग हो बना लिया है अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने का मन। आई एम स्टिल प्लानिंग, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई हैव नॉट रियली फाउंड द राइट टीम। अभी तक टीम मिली नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट इट एंड मे बी बाई नेक्स्ट ईयर समथिंग शुड हैपन। उनके साथ एसोसिएशन तो रहेगा डेफिनेटली, इवन इफ आई स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन हाउस, उनके साथ एसोसिएशन तो रहेगा। आई विल नेवर कट अवे फ्रॉम देम, बट आई वांट टू मेक माई ओन फिल्म्स इंडिपेंडेंटली आल्सो। तुषार ने इस बात से भी अग्री किया कि उनकी पहली प्रोडक्शन में लीड एक्टर होंगे वो खुद। वेल, इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, आखिर एकता ने अपनी लास्ट हिट्स लव सेक्स और धोखा और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से तुषार को दूर जो रखा, तो अपनी प्रोडक्शन में हीरो तो बन ही सकते हैं ना तुषार। डेफिनेटली पहली फिल्म मेरी मैं ही रहूंगा उसमें, क्योंकि आई थिंक जब आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम देना पड़ता है। इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट यू कैन डू बोथ थिंग्स। अगर मैं किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ और मेरी फिल्म फ्लोर पे है जो मैं प्रोड्यूसर बन के बना रहा हूँ, तो हाउ विल आई बी इन बोथ प्लेसेस, यू नो? तो यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट आई थिंक, एटलीस्ट फॉर माई फर्स्ट फिल्म till my company is completely launched. वैसे तुषार ने भी माना कि इस प्रोडक्शन हाउस को एस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंशियली मदद कर रही है उनकी बहन एकता। She said she wants to invest in it. She said that I would love to invest in your company. That might just give you a hint कि भाई बहन का प्यार तो बरकरार है, but the big question is कि बालाजी के होते हुए क्यों खुल रहा है तुषार का प्रोडक्शन हाउस? Is it a self-employment program? विद्या बालन फिल्म के सेट पर अचानक से रोने लग गईं। क्या हो सकती है विद्या के रोने की वजह? दिन भर क्राउड में एक फिल्म के लिए आउटडोर शूट करना और रात में दूसरी फिल्म के लिए डबिंग करना और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर शूटिंग, ये सब जब हद से बाहर हो गया तो विद्या सेट के बीच में ही रो पड़ी। दरअसल विद्या कोलकाता में सुजॉय घोष की फिल्म की शूटिंग कर रही थी और रात में फिल्म के लिए डबिंग। पिछले 3 महीने से ऐसा लगातार चल रहा था, विद्या ने एक भी ब्रेक नहीं लिया। जब काम हद से ज्यादा हो गया तो विद्या अचानक से सेट पर जोर जोर से रोने लग गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। Yes, it happened a few days ago and it scared the hell out of me and everyone in the unit. I'm not prone to tantrums or outbursts. ये विद्या के साथ तो पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आसिन भी सेट पर बेहोश हो चुकी हैं। जूम को पता चला है कि आमिर खान US प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलना चाहते हैं। क्या हो सकती है आमिर की इस चाहत की वजह? November 7, 2010 will be the day when US President Barack Obama will visit the Ivy of India.
सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। एंड जूम को खबर मिली है दैट आमिर खान इज ट्राइंग हिज लक विद अथॉरिटीज दैट उन्हें भी मिल जाए परमिशन ओबामा से मिलने की। वैसे लास्ट ईयर भी जब हिलरी क्लिंटन इंडिया ट्रिप में जेवियर्स आई थी तब भी आमिर वॉज इन द कॉलेज टू मीट हर, बट दिस टाइम विद ओबामा इज स्पेशल। रीजन बीइंग सोर्सेज बताते हैं कि ओबामा को इंडिया लाने वाली फ्लाइट विल प्ले आमिर पीपली लाइफ एंड थ्री इडियट्स। More than anything else, Aamir Khan wants to meet the president to get his reaction on the movies. Because one good word from him play kar sakta hai major role Aamir ka Oscar dream pura karne mein. But the problem is ki Obama se milne ki interested VIPs ki list ho rahi hai itni lambi that the authorities is having difficulties in accommodating Mr. Khan. Ritik Roshan ban gaye hai philosopher kyunki har baat par ho rahe hai Ritik philosophical. Change is the only thing that's consistent in life. If you have not looked back in your life and changed your perspective on things that have affected your life or your experiences, then you've not been growing. ऋतिक रोशन का इन दिनों यही है हाल। उनसे पूछी जाती है जरा सी बात और वो अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइफ की डीप फिलॉसफी। यू तो ऋतिक शुरू से ही रहे टू द पॉइंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऋतिक पर छाया है आर्ट ऑफ लिविंग का यही बुखार। और जब हमने आपके इस फेवरेट स्टार के इस बदले बदले बिहेवियर की वजह जानने की कोशिश की तो मिली एक एक्टर की वही एफर्ट्स जो अपने हर किरदार को खास बनाने के लिए करता है। ऋतिक इज नोन फॉर गेटिंग डीप इन टू द स्किन ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ऋतिक की अगली फिल्म है गुजारिश, जिसमें ऋतिक प्ले कर रहे एक पैराप्लेजिक पेशेंट का रोल। द फिल्म टॉक्स अबाउट लाइफ एंड लिविंग इट टू द फुलेस्ट। और शायद यही वजह है कि ऋतिक आजकल बातें भी उसी अंदाज में कर रहे हैं। हमने ऋतिक से पूछा एक सीधा सा सवाल जिसका आंसर देते देते ऋतिक चले गए किसी और ही टेंशन पर। हमने ऋतिक से पूछा एक सिंपल सवाल कि व्हाट डज इट टेक टू रीच अ स्टेज where hits and flops do not make a difference to your career. Well, I think the answer to this question is a little different than what you're expecting. I think success and image and all that, if it's an end in itself, then I can answer this question, but that's not what life is about, at least mine. It's all a means to an end. Your success, your hard work, and your image, and whatever status you've achieved, all this is just a means to that end, I think. Well, Ritik, we hope ki aap jo kehna chahte hain, aap wo samajh gaye. Kyunki aapki baat ne hame chhod diya hai clueless. ब्रेक के बाद में दीपिका ने लिफ्ट अप किया है इमरान खान को, लेकिन दीपिका के इस सीन की रियलिटी क्या है बता रही है खुद दीपिका। जब से ब्रेक के बाद का ये पोस्टर आया है अपने साथ एक सवाल भी लाया है कि अब तक नाजुक रोल्स करती रही दीपिका पादुकोण आखिर किस चक्की का आटा खा रही हैं जो उन्होंने अपने को स्टार इमरान को उठा लिया है अपने कंधों पर। इस पोस्टर में साफ नजर आ रहा है कि दीपिका ने इमरान को अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन दीपिका ये मिस्ट्री ज्यादा वक्त तक कैरी नहीं कर पाई और उन्होंने भूल से जूम पर खोल दिया ये राज कि उन्होंने इमरान को आखिर कैसे उठाया। इट वाज ऑल फोटोशॉप। हमने दीपिका और इमरान से सिर्फ ये जानने की कोशिश की थी कि हाउ डिफिकल्ट वाज द शॉट, बट दीपिका ने तो राज ही खोल दिया। लेकिन जैसे ही दीपिका को लगा कि उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था तो दीपिका ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पलट दी और कह दिया इमरान है काफी हल्के। कंगना रनौत को आजकल आ रही है बहुत ज्यादा नींद और ये बात एक नहीं दो नहीं कई इवेंट्स में हो गई है प्रूव। कंगना रनौत लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही है बिजी और काम का बोझ कुछ ऐसा है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, फिर इसका असर बाकी चीजों पर तो पड़ेगा ही। अब देखिए ना, हमने कंगना से पूछा एक सिंपल सा सवाल कि नॉकआउट में अपने रोल के लिए उन्होंने कैसी की प्रेपरेशन, तो अपना जवाब देने के लिए कंगना को अपने दिमाग पर देना पड़ा काफी जोर। मैंने बहुत सारे ऐसे वारदात देखे और कैसे क्राइम जर्नलिस्ट उनको रिपोर्ट करते हैं, उनका एक अलग ढंग रहता है, एक अलग तरीका रहता है, तो ऐसे काफी रिसर्च किया। कंगना की बातों में तो ज्यादा काम का असर आने ही लगा है, कंगना के ड्रेसिंग सेंस पर भी नजर आ रहा है इसका इफेक्ट। हाल ही में ऐसा देखा गया जब कंगना रनौत छूट से सीधे पहुंची थी हेलो अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर और इसी जल्दबाजी में कंगना एक बार फिर बन गई थी फैशन पुलिस की शिकार, क्योंकि कंगना जिस कॉस्ट्यूम में इस अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर पहुंची उस कॉस्ट्यूम से साफ नजर आ रहा था उनके इनोवे का स्ट्रैप। और जब संजय मान्यता के बेबी शावर में पहुंची थी कंगना तब भी शायद वो थी थकान और अनिद्रा का शिकार, क्योंकि उनकी कुर्ती का लेफ्ट साइड रह गया था अनजिप। इतने गड़बड़ से अनजान कंगना यहां दे रही थी पोज।
अब कंगना भले ही समझना ना चाहे पर लोगों को तो ये समझ आने ही लगा है कि कंगना को नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर रेस्ट, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल तो यही है जब नॉकआउट पर पूछे गए सवाल पर कंगना ने हमें कर दिया नॉकआउट। मैंने बहुत सारे ऐसे वारदात देखे और कैसे क्राइम जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करते हैं, उनका एक अलग ढंग रहता है, एक अलग तरीका रहता है, तो ऐसे काफ़ी रिसर्च किया। न्यूज है कि केबीसी ग्रैंड फिनाले में पूरी बच्चन फैमिली एक साथ नजर आएगी, यहां तक कि बिग बी अपनी बेटी श्वेता को भी लेकर आएंगे इस शो के फिनाले में। केबीसी सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले होगा बेहद खास, क्योंकि रिपोर्टेडली इस शो में बिग बी की पूरी फैमिली एक साथ आने वाली है। अब तक कंप्लीट बच्चन फैमिली की झलक ना तो सिल्वर स्क्रीन को मिली है और ना ही स्मॉल स्क्रीन को, लेकिन अब जब कौन बनेगा करोड़पति सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में बिग बी के सवालों का सामना करते हुए हॉट सीट पर आ रहे हैं अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और बिग बी की डॉटर श्वेता बच्चन, तो ये बनने जा रहा है टेलीविजन शोज के लिए एक बड़ा ओकेजन। रिपोर्टेडली बिग बी की कंप्लीट फैमिली के अपीयरेंस की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। केबीसी सीजन 4 का ये ग्रैंड फिनाले दिसंबर के लास्ट वीक में टेलीकास्ट होगा और इस सीजन को मिली सक्सेस के बाद चैनल शो के अगले सीजन के लिए भी बिग बी को ही लॉक करने की तैयारी कर रहा है। Time to show you the visual of the day. Enjoy. Have you met Guzarish's magician Ritik Roshan? तो अब मिलिए मैजिशियन रणबीर कपूर से। रणबीर ने किया है ये सिजलिंग फोटोशूट फॉर हाई ब्लिट्स मैगजीन, जिसके एक चेंज में वो बने हैं मैजिशियन। The concept this time was circus and performing arts and stuff that we could do, and of course we kept the sense of style. सर्कस में एंट्री ले चुके रणबीर ने किसी चेंज में कभी जॉगलिंग की तो कभी किसी चेंज में दिखाया बैलेंसिंग एक्ट, जो हमें ऋतिक के लक बाय चांस के गाने की याद दिला गया। रणबीर ने इस फोटोशूट में अपने ग्रैंडफादर राज कपूर की यादों को भी ताजा कर दिया। When he shot with a Joker. Yeah, I connected with Mera Naam Joker, it's my grandfather's movie, which was so close to him. Yeah. And like I said, it's always been my dream to actually even play a Joker, a character of a Joker in a movie. So I've come as close to playing one right now, at least playing with one. So hopefully I'll get to play a character of the Joker sometime soon. We also spotted Ranbir in his long locks. Aur kisi change mein dikhai unki ek choti si ponytail bhi. The shoot was fun and so was Ranbir. Ranbir is a very easy guy to work with. It's very easy to shoot with him. Well, इस सर्कस में रणबीर ने अपना जादू तो चला ही दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह बॉलीवुड की सर्कस पर ही कब्जा करके बैठे हैं। गोलमाल 3 की पूरी स्टार कास्ट के लिए अजय देवगन ने रखी स्पेशल स्क्रीनिंग, हमारे पास है इस स्क्रीनिंग की कुछ खास पिक्चर्स। ये तस्वीरें हैं गोलमाल 3 की स्क्रीनिंग की, लेकिन ये स्क्रीनिंग ना तो प्रोड्यूसर्स ने रखी है और ना ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने, बल्कि रोहित तो खुद मेहमान बने हैं अजय देवगन की प्राइवेट स्क्रीनिंग का, जो उन्होंने रखी थी दिवाली के फेस्टिव सीजन में अपने नियर एंड डियर्स के लिए। यहाँ अजय को सपोर्ट करने पहुँचे करीना कपूर और अरशद वारसी, करीना को कंपनी देने यहाँ करिश्मा भी आई थी। तो अरशद अजय की स्क्रीनिंग में आए अपनी वाइफ मारिया गुरेटी के साथ। अजय की स्क्रीनिंग में काजोल नजर नहीं आई, लेकिन उनकी कमी तनुजा एंड काजोल सिबलिंग तनिषा ने पूरी कर दी। वहीं अजय को सपोर्ट करने के लिए गोलमाल 3 की इस प्राइवेट स्क्रीनिंग में थे उनके फादर वीरू देव। Now we will show you the slideshow of the few latest Bollywood Diwali celebration pictures. Of all the ladies Zoom spotted in Diwali bash, we love Diya Mirza the most. Diya ne pehna tha orange kurta pajama, jo festive hokar bhi kafi subtle tha. The dress was bright and vibrant, but still na to color aur na hi embroidery mein lag raha tha over the top. दिया मिर्जा करियर डिसीजन में भले ही कितनी भी गूफ अप कर ले, दिस लेडी कांट डू एनी फॉक्स पास व्हेन इट कम्स टू फैशन। दिस ईयर करीना हैड डबल सेलिब्रेशन फॉर दिवाली, फर्स्ट टाइम शी सेलिब्रेटेड विद कास्ट ऑफ गोलमाल एंड सेकंड टाइम इट वाज हर बडी तुषार कपूर्स हाउस। वैसे विद बियोसेफ एंड हिज किड्स बीइंग इन दिल्ली एंड सो बीइंग हर डार्लिंग सिस्टर करिश्मा, करीना लुक्ड अ बिट लोनली। सोनम कपूर हैड अ फैमिली बैश विद डैडी अनिल कपूर, ड्रेस्ड इन विंटेज कलर्स सोनम लुक्ड लवली। ऋतिक रोशन एक इवेंट में कैंसर के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते नजर आए और इसके लिए उन्होंने अपनी फिल्म गुजारिश का प्रमोशन भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन कैंसर अवेयरनेस क्यों बन गया है ऋतिक के लिए इतना इम्पोर्टेंट? Spotted Ritik and wife Suzanne supporting the cause of awareness for breast cancer. But Ritik, क्या इस वक्त आपको एक रेडियो स्टेशन पर गुजारिश के प्रमोशन के लिए नहीं होना था? Ritik, क्या आप वाकई फिलैंथ्रोपी में इतना बिलीव करते हैं या वजह है कुछ और? We are here to show our support in the effort to try and create awareness about this disease. I have been a witness in my own family. My sister is a cancer survivor.
Barbara Mori has survived this disease. Oh, now we see the reason for Hrithik's concern. Hrithik Roshan Guzarish ka promotion chhod cancer awareness mein isliye lag gaye hain kyunki ek waqt par unki special friend Barbara ko bhi cancer reh chuka hai. We wonder Hrithik, jis special friend ke liye aap itne concern hain, unhe hi aap India aane isliye nahi de rahe hain kyunki aapki film ka promotion divert na ho jaye. रूमर है कि बांद्रा मुंबई में चल रही एक दिवाली कार पार्टी में बच्चन भी थे. इस रूमर में कितनी सच्चाई है? इस दिवाली पर इसी तरह की सच सच के साथ पार्टी के लिए तैयार दिखा बॉलीवुड. पर किसने कहा पार्टी की, ये जाने से पहले जान लीजिए कि अमिताभ बच्चन किस पार्टी में पहुंचे. रिपोर्टेडली दिवाली पार्टीज का आगाज तो खुद अमिताभ बच्चन की फैमिली ने ही किया. थर्सडे नाइट को बिग बी ऐश्वर्या अभिषेक के साथ जया बच्चन को लेकर निकले बांद्रा. यहाँ कार्टर रोड में एक फैमिली प्लेस में हो रही थी एक कार पार्टी, जिसे बिग बी की फैमिली ने देर रात तक अटेंड किया. सोर्सेज की माने तो वहाँ गोल्डी भेल भी थे विद वाइफ सोनाली. पर दिवाली की रात बॉलीवुड में हुई दो मेजर पार्टीज. शिल्पा शेट्टी तुषार कपूर के घर पहुंचे कई सेलेब्स टू सेलिब्रेट दिवाली. लाल रंग का सलवार कमीज, माथे पर लाल टीका लगाए करीना कपूर पहुंची अपने बेस्ट फ्रेंड तुषार कपूर के घर, जहां इन दोनों का साथ जेनेलिया डिसूजा ने भी दिया. वहीं शिल्पा शेट्टी के घर ऋतिक रोशन, सुजान रोशन, अर्जुन रामपाल, मेहर जेसिया, अमीषा पटेल, मलाइका अरोरा खान, सोफी चौधरी, चंकी पांडे और कई सितारों की टोली पहुंची. शिल्पा शेट्टी की दिवाली प्लस हाउस वार्मिंग पार्टी थी, जहां रात भर खाने पीने के अलावा कार्ड्स, पोकर जैसे गेम्स भी खेले गए. दिवाली के मौके पर रानी नजर आई आमिर खान के घर पर. कहीं आमिर से क्लोजनेस बढ़ाकर रानी एक बार फिर बॉलीवुड में कमबैक के लिए तैयार तो नहीं हो रही? We caught Rani Mukherjee celebrating Diwali this year with Aamir Khan. Rani entered the Khan residence right at the Muhurat of Puja. She not only attended it, but उन्होंने help भी की wife Kiran Rao की in all the preparations, just like a family member. इससे पहले भी Peepli Live की screening में Aamir को support करने पहुंची थी Rani, but तब वजह थी professional. But this time Kiran Rao के साथ Aamir के घर में दिए जलाकर कहीं Rani अपने career का अंधेरा तो नहीं दूर करना चाह रही? खबरें थी कि करण अपने शो कॉफी विद करण के न्यू सीजन में आमिर को बुलाना चाहते हैं, पर जूम ने आमिर से बात की तो आमिर ने बताया कि उन्हें अब तक इनविटेशन नहीं मिला है. करण जौहर आमिर को बनाना चाहते हैं अपने शो का मेहमान, और आमिर भी करण का मेहमान बनने के लिए है बेताब. आमिर की बेताबी का ये अपडेट हमें खुद आमिर ने ही दिया है. हाल ही में एक खबरें आई थी कि ऐश्वर्या अभिषेक से अपने शो को स्टार्ट कर रहे करण आमिर को अपना गेस्ट बनाना चाहते हैं, तो जूम ने आमिर से जानने की कोशिश की करण के इस डिजायर के बारे में. करण अच्छे दोस्त है, आई नीड टू बी इनवाइटेड ऑन दैट फर्स्ट. आमिर तो कह रहे हैं कि अब तक उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है. वैसे हमने आमिर से सिर्फ इस शो पर आने के बारे में नहीं पूछा था, सवाल में ये भी शामिल था कि वो करण के शो में कॉफी पीने के लिए अपने साथ किसे लेकर जाएंगे. आई नीड टू बी इनवाइटेड ऑन दैट फर्स्ट एंड इफ दैट हैपेंस देन वी विल सी. और अब हम आपको दिखाते हैं अपकमिंग फिल्म 30 मार खान का थिएट्रिकल लुक. कोई ऐसी तिजोरी नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता. ठीक है, ओपन एवरी ब्लडी लॉक. तवायफ की लुटी इज्जत बचाना और 30 मार खान को कैद करना दोनों बेकार है. शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ ये भी नहीं जानती कि तुम एक डायरेक्टर नहीं वांटेड क्रिमिनल 30 मार खान हो. स्पाइडरमैन की माँ भी नहीं जानती कि उसका बेटा स्पाइडरमैन है. तो 30 मार खान. बॉस, बॉस लगता है उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया. अब क्या करेंगे बॉस? ऐसे मौके पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए. क्या? भागो! 30 मार खान मुजरिम नहीं मां, 30 मार खान मेरी अगली फिल्म का टाइटल है. हाय! कैसा लगा तुझे? अरे बहुत अच्छा लगा, तेरी पिछली वाली फिल्म से भी ज्यादा अच्छा. कौन सी फिल्म? अरे वही ओम शांति ओम. ती
बारखा, मैं हूं 30 बारखा। बॉस पुलिस। उप्स, मैं नहीं हूं 30 मार का, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूं।